हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए पंजाबी का नरेश यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज का हमारा ट्रिप है हिमाचल में डलहौजी, तो वहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा हुई है, तो सुना कि वहाँ तीन से चार फुट वहाँ स्नोफॉल हुई है, तो भी वहीं हम जा रहे हैं। तो शायद हमें 7-8 किलोमीटर ट्रैकिंग करनी पड़े, क्योंकि डलहौजी का जो रास्ता है वो फ़िलहाल बंद है। बनी खेत से डलहौजी ब्लॉक है, तो वहाँ जाके जो भी सीन वगैरह होंगे, स्नोफॉल होगी, सभी आपको दिखाएंगे। तो मेरे साथ जा रहे हैं राजीव भैया, तो अभी लेने चलते हैं राजीव भैया। ये मेरी छोटी सी कार, एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा है तो आज बाइक पे नहीं, आज जाएंगे कार में। तो मेरी बहुत प्यारी सी कार है, छोटी सी। ये हमारी एक सवारी है, सवारी है, तो अभी ये सवारी को हम वापस आके पकड़ेंगे। भाई सवारी है कोई? डलहौजी सर, एक ही सवारी है? एक ही सवारी सर, पर पर्सन ₹50,000 सर। कितने 50 एडवांस लाओ यार, बाजे दवा। गुड मॉर्निंग। इट विल बी ए ग्रेट ट्रिप एंड एडवेंचरफुल ट्रिप। ओके सर, बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। लो जी, ट्रिप शुरू करने से पहले भोलेनाथ का नाम लेते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। होप्स ओके, ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो डलहौजी में एक्चुअली स्नो बहुत ज़्यादा पड़ गई हुई है, तो शायद हमें 7-8 किलोमीटर ट्रैक करना पड़े, तो देखते हैं आगे क्या होता है। जाके हम इसलिए चले हैं क्योंकि वहाँ बत्ती गुल है, 2 दिन हो गए हैं, तो बर्फ़ भी वहाँ 3-4 फुट पड़ चुकी है, जो डलहौजी में गांधी चौक है। तो देखते हैं क्या होता है आगे। ओके जी, लेट्स वॉच। जब मैं घर से निकला तो जो DSLR कैमरा मेरा, तो उसका जो बड़ा वाला लेंस है वो रह गया घर। तो मनप्रीत को मैंने फ़ोन किया कि मुझे बड़ा लेंस चाहिए DSLR का, तो वो DSLR का बड़ा तो मिल चुका है लेंस और ये पावर बैंक लेके आए मेरे लिए। थैंक यू सो मच भाई। मनप्रीत ने हमारे साथ जाना था, तो इनके घर आई है छोटी सी एंजल, छोटी सी नन्नी परी आई है, तो उसके कारण ये जा नहीं सके। तो नेक्स्ट टाइम। ओके जी, पेट पूजा, ब्रेकफास्ट। अभी सुबह का टाइम है 7 बजे, तो काफ़ी ज़्यादा धुंध पड़ी है क्योंकि 2-3 दिन यहाँ बारिश होती रही पंजाब में, तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धुंध है, बहुत ज़्यादा। तो गाड़ी काफ़ी धीरे चला रहे हैं हम, होप सो के आगे जाके धुंध कम हो जाएगी, पर यहाँ बहुत ज़्यादा है और गाड़ी काफ़ी ध्यान से चलानी पड़ रही है, आप देख सकते हैं। और ये देखो जी भैया, धुंध के कारण ठंडे पड़ गए। अभी हम पहुंच गए दुनेरा, और दुनेरा में कोई राधा स्वामी छोटा सा ढाबा है, तो यहाँ हमने परौंठे खाए हैं बटर के साथ, अमूल बटर के साथ। अभी थोड़ी देर में हम चलेंगे, यहाँ से लेफ्ट साइड पड़ता है एक अटल सेतु, तो काफ़ी फेमस ब्रिज है वो, जो नई टेक्नोलॉजी से बना है, तो आपको जाके वहाँ दिखाएंगे। चलेंगे, रेडी।
आप देख सकते हैं सामने देखिए पहाड़, वाओ पहाड़, पानी, झीलें, और ये सामने दिख रहा है अटल सेतु ब्रिज। पहुंच गए हम यहाँ, अब गाड़ी को रोकते हैं और बाहर का सीन आपको दिखाते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं जो ये सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है अटल सेतु। तो अभी हमने यहाँ एंट्री करवाई है, तो भाई इनको भी अपनी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, तो एंट्री करवाई है अपनी गाड़ी की। तो अभी थोड़ी देर में हम शूट वगैरह लेते हैं। भैया अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो YouTube में मेरा लिंक है पंजाबी का नरेश। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट आल्सो। यह है हिमाचल में अटल सेतु ब्रिज, अटल सेतु, वाओ ग्रेट। भाई इस ब्रिज के ऊपर सैर करने का एक अपना ही मज़ा है। तो कभी भी आपको मौका मिले अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ ज़रूर आएँ। अटल सेतु बहुत अच्छा ब्रिज है, नई टेक्नोलॉजी से बना है। अभी हम ब्रिज के बिल्कुल सेंटर में हैं, तो यहाँ एक गुंबद बना हुआ, आप देख सकते हैं पिलर बना हुआ है। जब भी आवाज़ लगाते हो यहाँ आवाज़ गूंजती है, हेलो हेलो ग्लैडिएटर्स, हाउ आर यू।
वी आर द बेस्ट, हिप हिप हुर्रे हुर्रे हुर्रे। भाई आवाज सुन सकते हैं आप कैसी आवाज गूंज रही है? हम बातें भी कर रहे हैं तो आवाज गूंज रही है, इको हो रहा है बिल्कुल। एंड राइट इन द मिडल कोई डोम नहीं है, कोई क्लोज नहीं है, दोनों तरफ से ओपन है, लेकिन अंडर दिस पिलर अलग ही फीलिंग है। यहाँ से कोई 5 किलोमीटर रह गया है बनीखेत, तो बनीखेत से स्नो हो जाएगी शुरू। तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंडा। काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं ड्राइविंग करने के साथ साथ सॉन्ग सुन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी हम पहुँच गए हैं बनीखेत और यहाँ से स्नो हो गई है शुरू। तो 2 दिन यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी है, देख सकते हैं सामने। 2 दिन पहले कोई 19-20 तारीख को यहाँ डलहौजी में बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी, 2 दिन लगातार यहाँ बिजली भी नहीं है। तो यहाँ बनीखेत तक बर्फ आ गई, आप देख सकते हैं, नहीं तो बनीखेत बहुत सालों बाद बर्फ पड़ी है। तो सारा रास्ता क्लोज था, हमने एक दिन वेट की, 2 दिन बाद, 1 दिन बाद हम यहाँ आए हैं डलहौजी। तो बनीखेत से डलहौजी का जो रास्ता था वो भी एक्चुअली क्लोज था। तो अभी रास्ता बनीखेत से डलहौजी बस स्टैंड है, जो वहाँ तक सुना है कि रास्ता क्लीन कर दिए, कि देखते हैं होता क्या। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बनीखेत में पहुँचे हैं और यहाँ हमारे एक रिलेटिव हैं जो यहाँ बैंक में जॉब करते हैं। तो हम कोशिश करेंगे जो गाड़ी है वो हम खड़ी कर देंगे बनीखेत, उसके बाद हम ट्रैकिंग करेंगे डलहौजी की तरफ। भाई ये हमारे प्यारे जीजू जी, विनायक जीजू जी हमारे, तो ये इनकी ड्यूटी इस टाइम बैंक में है, बनीखेत। तो इन्होंने हमारी जो गाड़ी है पार्किंग में लगवा दी है बनीखेत, क्योंकि यहाँ से हम ट्रैक करके जाएंगे। मे बी स्नोफॉल रात को हो जाए या कल हो जाए, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि रास्ते हो जाएंगे बंद। तो वेरी वेरी थैंक्स विनायक जीजू जी का। Thank you.